भाषण देने के लिए तो मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे, पर चलो अब आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए कहा है तो मैं अपने अनुभव जरूर साझा करना चाहूँगा। सन 1990 तो पांचवी क्लास में मैं पढ़ता था तो हमारा नवोदय का फॉर्म भर दिया किसी टीचर ने, हमें मालूम भी नहीं था कि क्या फॉर्म भर दिया है। जब फॉर्म भर दिया तो घर वालों ने कहा कि नवोदय का फॉर्म भर दिया आपका, तो बेटा तैयारी करो। तो मालूम भी नहीं था कि नवोदय का फॉर्म भर दिया है, तैयारी करेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे तो आगे होगा क्या। बस वो तैयारियां की, सिलेक्ट हो गए और नवोदय विद्यालय में पहुंच गए। जब नवोदय विद्यालय में पहुंचे तो शुरू के टाइम में तो बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि हमारे टाइम में नवोदय को शुरू हुए लगभग 5 साल, 1991 बैच का मैं हूँ, तो उस वक़्त हमारे नवोदय में स्कूल का कोई कैंपस नहीं था, स्कैटर्ड प्राइवेट बिल्डिंग्स में हम लोग रहते थे। तो ऊपर से प्राइमरी स्कूल तक अपने स्कूल में पढ़ने में अच्छा था, टॉपर था, और जब सारे ज़िले के लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो भीड़ में कहीं खोस आ गया, तो अंदर ही अंदर ये लगता था कि नहीं, मैं तो अपने स्कूल का टॉपर ऊपर, यहाँ तो मैं पिछड़ गया। क्योंकि हमारे टाइम में चौथी क्लास में इंग्लिश पढ़ना शुरू करते थे, वो कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे बैच के हमारे क्लासमेट्स जो अर्बन एरिया से आते थे, तो वो कॉन्वेंट या सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए थे, उनको इंग्लिश का अधिक ज्ञान था, हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं लगता था, गांव के लोग थे। ऊपर से मेरा जो इलाका है जहां का मैं रहने वाला हूं, वो आज भी उसको पिछड़ा क्षेत्र में गिना जाता है, आई बिलोंग टू दैट अनशेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो उन लोगों के बीच में अपने आप को हीन भावना का भी अनुभव होने लगा। फिर बीच बीच में कुछ हमारे शिक्षकगण, जब वो दोस्तों के बीच में हम लोग होते थे तो तुम इनके साथ बैठने के लायक नहीं हो, इस तरह की बातें भी कही जाती थी, परंतु मन में हमेशा ये चीज़ लगती थी कि नहीं, कुछ करना है जीवन में। और कुछ शिक्षक लोगों ने पहचान भी लिया, शायद पता नहीं ईश्वर की कृपा रही कि उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, तुम कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हो, पढ़ाई करो। मार भी पड़ती थी हमारे टाइम, अब तो नहीं मारते हैं हमारे टाइम तो बहुत मारते थे, सीनियर्स भी मारते थे, प्लेटें भी धोई हैं हम लोगों ने सीनियर्स की, यहाँ नहीं होता होगा ऐसा, होता वो मेरी क्लासमेट और वीडियो बना रही है, उसने भी धोई होगी सीनियर्स की प्लेटें हमारे, तो हम लोगों ने वो चीज़ें सही। और फिर माइग्रेशन हुआ, महाराष्ट्र गए, और महाराष्ट्र से आने के बाद फिर वापस नवोदय को प्लस टू किया। और बस प्लस टू किया तो एक छोटी सी चीज़ मैं सुनाना चाहूँगा, 1996 में जब 10th क्लास पास किया तो उससे पहले हमारे हिमाचल स्टेट में जो जूनियर बेसिक टीचर होता है वो मेरिट पे सिलेक्ट होते थे। 1996 में फर्स्ट टाइम उनका एग्ज़ाम हुआ और हमारी क्लास के अधिकतर बच्चे उसमें सिलेक्ट हो गए। हमने भी प्लान किया कि हम भी सिलेक्ट हो गए। फिर हमारे एक टीचर थे बायोलॉजी के, आज भी हम उनको बहुत याद करते हैं, तो उन्होंने हम व्यक्तिगत तौर पर हमें हमारे पेरेंट्स को समझाया कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आगे अच्छा करेगा, इसको पढ़ने दीजिए आगे। काफ़ी दिन तक घर में स्ट्रगल चलता रहा कि पढ़ के क्या करोगे, पढ़ के भी तो नौकरी करोगे। फिर आखिरकार पेरेंट्स माने, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए परमिशन दिया और फिर PMT में सेलेक्ट हुआ, MBBS किया, उसके बाद MS किया, मास्टर इन सर्जरी, फिर MCH न्यूरो सर्जरी किया, और 2014 से लेकर 2022 तक मैंने एज ए न्यूरो सर्जन हिमाचल स्टेट को सर्व किया। और 2022 अक्टूबर में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र से चुनावों में उतारा और अपने नवोदय के साथियों की मदद से, अपने
पार्टी के लोगों की मदद से, अपने स्थानीय लोगों के आशीर्वाद से मैंने चुनाव में जीत दर्ज की और अब आपके सामने विधायक के नाते खड़ा हूं। ये तो जीवन यात्रा हुई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेरी जिंदगी का, अगर मैं ये विषय कहूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो गया। अदरवाइज जिस बैकग्राउंड से, जिस लोकेलिटी से, जिस क्षेत्र से मैं रहता हूँ, आने वाला हूँ, उस क्षेत्र में आज भी 70% से अधिक लोग ऐसे हैं कि वो अपना पूरा का पूरा जीवन अपने तहसील क्षेत्र से बाहर कभी भी जाके देख पाते। तो ये नवोदय विद्यालय का ही एक हम पे आशीर्वाद रहा कि स्कूलिंग शिक्षा के दौरान ही हमने भारत भ्रमण किया, देश को जाना। कि एक्चुअल में जैसे वो एक कहानी हम बचपन में पढ़ते थे कि चिड़िया का बच्चा जब अंडे के भीतर होता है तो उसको लगता है यही दुनिया है, जब वो घोंसले के भीतर होता है तो उसको लगता है यही दुनिया है, और जब वो उड़ता है, उड़ान भरता है, तब पता लगता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो जैसे चुनावों के दौरान मैंने जब अपने क्षेत्र में अलग अलग जगह गया, कुछ ऐसी जगहों पे गया जहाँ जीवन में मैं पहले कभी नहीं गया था, तो मुझे जान के बहुत हैरानी हुई कि 60-70 आयु वर्ष के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कभी अपने जिला मुख्यालय नहीं आए, अपने तहसील मुख्यालय नहीं आए। तो उनको जब उनके बारे में जाना तो मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ, क्या ये लोग जिस भारत देश में हम रहते हैं उसकी ये कल्पना कर सकते हैं कि भारत क्या है। हमारे क्षेत्र में ऐसा भी है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, अगर कोई सिलेक्ट हो गया या किसी काम से या बीमार हुआ तो अस्पताल आया तो बड़े शहर में आया, अदरवाइज तो सारी जिंदगी बेचारे वो बाहर नहीं आ पाते। उन सब लोगों की समस्याओं को देखते हुए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए मन में शुरू से ही स्कूल टाइम से ही मेरे अंदर ये इच्छा थी कि एक दिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूँगा और जो अभावों में जिन कमियों के साथ मेरा बचपन मेरा जीवन बीता है, मेरे लोगों का जीवन, मेरे आने वाली पीढ़ियों का जीवन उन कमियों उन अभावों में ना बीते, यही चीज सोच के मैंने अपना डॉक्टरी प्रोफेशन को छोड़ा। और जब छोड़ा तो आज भी मुझे बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी लोग एक चीज हमेशा मेरे से पूछते हैं, प्रेस वाले भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इतना पढ़ लिख के राजनीति में क्यों आ गए, ये सवाल हमेशा पूछते हैं। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा ही इसलिए कि मैं राजनीति में आ सकूं, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और कोई ऐसा मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था जिस बैकग्राउंड के आधार पर मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता था। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने वो रास्ता चुना जिस रास्ते को बहुत कम लोग चुनते हैं। लोग जो राजनीति में आने की इच्छा रखते हैं वो राजनीतिक कामों में शुरू से लग जाते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि राजनीति में उनको ब्रेक थ्रू मिले। परंतु मैंने वो रास्ता चुना जो लीस्ट ट्रेवल्ड पाथ था। मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं अपने इलाके में, अपने समाज में कुछ बेहतरीन करके दिखाऊं और उसके बाद लोग स्वतः खुद ये बोलें कि आप हमें लीड करिए। तो मैंने वो वाला मार्ग चुना और ये हार्डवर्क करने की क्षमता, ये विजन ये नवोदय विद्यालय ने मुझे दिया, क्योंकि जिन समस्याओं के साथ हम पले बड़े उन समस्याओं ने आज के रूप में हमें तैयार किया है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ नवोदय विद्यालय का, और आज भी मुझे जब भी कोई व्यक्ति नवोदयन बैकग्राउंड का मिलता है तो फिर मुझे उसको परखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मुझे इसको क्यों परखना है, क्या ये सही है कि नहीं है, बस ये नवोदय का है, इसने वही चीज़ सही है, वही चीज़ के साथ ये जिया, तो ये मेरा अपना आदमी है।
तो ये हमेशा मेरे नवोदय के लोग मेरे दिल के करीब हैं और रहेंगे। मैं मतलब नॉन पॉलिटिकल फंक्शन में पॉलिटिकल भाषण नहीं देना चाहूंगा, ना ही लंबा देना चाहूंगा, क्योंकि बाकी मेरे भाई बहन और लोग भी हैं, उन्होंने भी बोलना होगा। वैसे पॉलिटिशियन हूं तो भाषण देना तो हमारा प्रोफेशन हो गया है, परंतु इतना जरूर है कि जीवन में ईश्वर ने अगर हमें कुछ बेहतरीन जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करने में जो ईश्वर का हमें साथ मिलता रहा है, और जब कुछ करने की मेरी बारी आएगी तो मैं अपने नवोदय विद्यालय, अपने नवोदय परिवार के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण, अपने खून का एक एक कण अपने नवोदय विद्यालय के लिए, अपने लोगों के लिए देने के लिए सदैव तैयार हूं। मैंने जीवन में वो सोचा भी नहीं था जो मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने तो इतनी कर झोली फैलाई थी, नवोदय विद्यालय ने मुझे मेरे ऐसी चीजें तैयार की कि मेरे को ऐसा बना के भेजा। कहावत भी बोलते हैं ना सर की, लेस मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो हम लोग नवोदय की ट्रेनिंग के दौरान, नवोदय के जो 6 साल हमारा रहने का समय था, उस दौरान वो चीजें सही हैं, वो देखी हैं, वो की हैं, क्या बाकी सारी चीजें जो है वो छोटी लगती हैं, सारी समस्याएं छोटी लगती हैं। ये छोटे बच्चे जो पीछे बैठे हैं, आप लोगों से मेरा ये विशेष आग्रह है कि बच्चों कल आप भविष्य हो देश का, और देश को लोगों की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं जब भी किसी स्कूल के कार्यक्रम में जाता हूं, ऐसे कॉलेज कार्यक्रम में जाता हूं, तो एक बात मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि देश को लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में, परंतु देश को अच्छे लोगों की जरूरत है, और अच्छे लोग आप हैं जो अपनी सोसाइटी के आप चुनिंदा लोग हैं, और आप बेहतरीन काम करेंगे। आप ही आने वाले टाइम में हमारी सोसाइटी में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई टीचर बनेगा, जो सोसाइटी में जो आप देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को या हम लोगों को, आप लोग भविष्य हो इस देश का। आने वाले 20 सालों के बाद हम लोग ऐसे इन्वाइटेड होंगे किसी कार्यक्रम में और आप लोग यहाँ पर भाषण दे रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ बच्चों और आप लोगों से ये कि आप लोग देश के लिए अच्छा काम करेंगे, समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आज अगर देश को जरूरत है तो अच्छे काम करने वालों की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है। इस देश की मिट्टी ने हमें सब कुछ दिया, इस देश की जनता ने हमें, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि हमारी शिक्षा में भारत देश की प्रत्येक जनता ने अपना योगदान दिया है, क्योंकि ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्कूल के सारे खर्चे भारत देश की जनता के टैक्स के पैसों से आता है। तो भारत देश की जनता ने मेरी शिक्षा के लिए खर्च किया है, तो अब शिक्षित होने के, प्रशिक्षित होने के बाद मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने देश की जनता के कर्ज को उतारूं। और इस भाव के साथ बच्चों आप काम करो, पढ़ाई करो और अपने सपनों को पूरा करो, ऐसी कामना करता हूं। और नवोदय विद्यालय, नवोदय परिवार के नाते हम लोग आज भी सदा जुड़े हैं, आगे भी सदैव जुड़े रहेंगे, ऐसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय नवोदय।